हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टेकीज। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने सामने क्वेश्चन लिख रखा है जिसे हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, और राइट साइड में मैंने एक टेबल लिख रखी है जिसमें मैंने डेसिमल को हेक्सा में हम क्या लिखते हैं उसका इक्विवेलेंट मैंने लिख रखा है, जो कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने में भी काम आएगा। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑक्टल के जो नंबर है उनको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो भी 3-बिट बाइनरी में। ओके, तो यहाँ पे जो है 1248 का जो है उसमें मैं यहाँ पे 3 बिट में इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो 6 का यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी 110। ठीक है, 3 का यहाँ पे 11, ये 3 का हो गया। देन 5 का हम लिखते हैं 101। ओके, ये हो गया यहाँ पे इसका बाइनरी में, वो भी 3 बिट में। अब हमें जो इसको 4 के पैर में यहाँ पे लिखना है, फिर उसका डेसिमल देखना है। ठीक है, तो हम इसका 4 का पेयर बना लेते हैं। ये हो गया पहला 4 का पेयर, तो 1110, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, इसका बनाते हैं 4 का पेयर 0100101। ओके, यहाँ पे एक ही जो है बिट है, तो हम यहाँ पे जो एक दो सॉरी दो जीरो ऐड कर सकते हैं, तो इसका भी आप देख लो बाइनरी इक्विवेलेंट 1 ही होगा। ओके, अब हम इसका जो है हेक्सा में लिखते हैं, तो 14 को आप हेक्सा में क्या लिखते हो डेसिमल में, देखो डेसिमल है 14, इसका हेक्सा में क्या लिखेंगे, ई। 5 का हम क्या लिखेंगे, 5 को 5 ही लिखते हैं। ठीक है, और 1 को 1, 16, 15 ई, इसका बेस 16, ये इसका आंसर है। फ्रेंड्स, ये है सेकेंड क्वेश्चन, इसको हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड 2 का मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वो भी 3 बिट में। तो 1248 वाले रूल से करेंगे, बट यहाँ पे हम 3 बिट ही काम में लेंगे। ठीक है, तो 2 को लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 3 बिट करना है। ठीक है, 6110 एंड 7111, ये हो गया हमारा बाइनरी में। अब इसको हमें चार चार के पेयर में करना है, तो ये 4 का पेयर, तो इसका हमें डेसिमल लिखना है। ठीक है, 4 का पेयर बनाने के बाद में इसका हो जाएगा 2, इसका 4 का पेयर बनाओ, इसका हो जाएगा 15, इसका बनाओ, तो इसका आगे आप लिख सकते हो कुछ भी, 0 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसका 1 ही रहेगा, ये होगा हमारा इसका डेसिमल में। अब डेसिमल को हमें वापस जो है हेक्सा में करना है फाइनल, तो ये टेबल जो कि आपके अभी काम आएगी। तो 2 का 2 ही रहेगा, 15 का आप लिख लो, 15 का F, और ये 1 का 1, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकेंड पार्ट का करते हैं, तो 0 का आप 3 बिट में लिख लो, 0000, 1 का आप लिख लो 3 बिट में, 001, और 3 का आप लिख लो 011, ये हो गया इसका बाइनरी में। इसका 4 का पेयर बनाना है हमको लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इधर हमने राइट टू लेफ्ट किया, इधर करेंगे लेफ्ट टू राइट, डॉट से स्टार्ट करते हैं। टी हो गया 0, सॉरी ये करना है हमें, इसका हो जाएगा 5। यहाँ पे सिंगल है, तो हमें 4 का पेयर बनाना है, तो हम यहाँ पे जो है 1 2 3, ठीक है, 3 0 ऐड कर देंगे, तो ये 4 का पेयर बन जाएगा। इसका आप देख लो बाइनरी इक्विवेलेंट 1000 से सॉरी 8 का हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका एग्जाम में देख लो, एग्जाम में क्या है, 0 का 0 ही लिखेंगे, 5 का 5 और 8 का 8, तो बस अब सिंपल कंबाइन करके लिखना है यहाँ पे 1F2.058, इसका बेस 16। तो यह सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, ये था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो जो भी क्वेश्चन है आप जो है लिख सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स में, और भी कोई वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप जो है वो भी बता सकते हैं। वैसे भी मैं प्लेलिस्ट का जो है लिंक नीचे दे रहा हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि हमने बनाई है, जिसमें हम एक एक वीडियो जो है ऐड करते जा रहे हैं, तो वो भी आप जो है विजिट करके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्रोटेक इसको, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।